नमस्कार, रचनामेरुत्रा.com पे आपका स्वागत है। आज हम मसाला राइस बनाएंगे। वैसे तो बहुत सारी तरीके के चावल बनते हैं, लेकिन आज हम मसाला राइस बनाएंगे। आइए देखते हैं मसाला राइस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। एक कप चावल, ये हमने पहले एक घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। दो कप पानी, एक चम्मच नमक, एक टेबलस्पून देसी घी, एक चम्मच गरम मसाला। आइए मसाला राइस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं। गैस हमने ऑन कर दी है। अब हम इसमें एक टेबलस्पून घी डालेंगे। घी हमारा थोड़ा गर्म हो रहा है। मसाला राइस बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। घी हमारा थोड़ा गर्म हो गया है। एक टेबलस्पून गरम मसाला मिला देते हैं। गरम मसाला हमने इसमें मिला दिया है। अब हम इसमें राइस मिला देते हैं। राइस हमने इसमें डाल दिया है और ये सारा पानी हम इसमें डाल देते हैं। हमने इसमें सारा चावल और पानी डाल दिया है। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक आप थोड़ा स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला हमने वैसे तो बाजार में भी मिलता है, लेकिन गरम मसाला हमने घर में बनाया हुआ डाला है। आप गरम मसाला बनाने के लिए हमारी वेबसाइट रचनामेरुत्रा.com पे इसकी रेसिपी देख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे, जब तक इसमें खौल आने लगेगी। अब हमारे चावल खौल गए हैं। हम इसको ढक देते हैं। दो मिनट के लिए हम इसकी गैस धीमी कर देंगे और दो मिनट तक धीमी गैस पर हम इसे ऐसे ही ढका रहने देंगे। देखिए, दो मिनट हो गया है, चावल गल गए हैं और पक्के तैयार हो गए हैं। चावल हमने ढक दिए हैं और गैस अब हम बंद कर देंगे। और ये इसी तरीके से बंद रहेगा और हम इसको अब आधे घंटे के बाद खोलेंगे। हमारा मसाला राइस बनकर तैयार हो गए हैं और अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। हमने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और इसकी गार्निश भी कर दी है। आप किसी गेस्ट के अचानक आ जाने पर इसे बनाइए, या घर में वैसे भी आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव रचनामेरुत्रा.com पर शेयर करिए। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ रचनामेरुत्रा.com पे।